नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोए सर्वसाहूणम वंदे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मोसुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंतधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयि मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां। ग्रंथादिराज समय सार कलश क्रमांक 10। आत्मा स्वभावं परभावभिन्नं मा पूर्णमाद्यन्त विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालं प्रकाशयन शोधनयोभ्युदेति। पर भाव से जो भिन्न है अर आदि अंत विमोक्त है संकल्प और विकल्प के जंजाल से भी जो एक है परिपूर्ण है ऐसे निजात्म स्वभाव को करके प्रकाशित प्रकट होता है। अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत कलश है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम मा पूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्य देती। जब शुद्ध नय का उदय होता है तो नज़ारा कैसा दिखता है उसकी बात चल रही है कि वहाँ पहला स्टेप आत्म स्वभाव और परभाव ये दो अलग अलग दिखते हैं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का पहला लक्षण वो इन दोनों को एक करके देखता है। सम्यक दृष्टि का लक्षण उन्हें उसे आत्म स्वभाव अलग पर भाव अलग। तो सुबह हमने जो चर्चा चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। स्व और पर ये दो विभाग हमने बनाए, तो स्व में किस किस को रखना, तो पहले अपने द्रव्य अपेक्षा से बात की कितने द्रव्यों को स्व में रखना और कितने द्रव्यों को पर में रखना। तो बहुत स्थूलता से हमने कहा कि जीव को हम स्व के खाते में रखते हैं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल इसको हम पर के खाते में रखते हैं। और जिसको हमने पर के भाव कहा है उसमें पहला शब्द है पर और दूसरा शब्द है भाव। तो पर में तो पुद्गल नव धर्म अधर्म काल ये आ गए, भाव माने उनके भाव। जैसे पुद्गल के भाव स्पर्श रस गंध वर्ण, धर्म द्रव्य के भाव गति हेतुत्व आदि, अधर्म द्रव्य के भाव स्थिति हेतुत्व आदि, आकाश द्रव्य के भाव अवगाहन हेतुत्व, काल द्रव्य के भाव वर्तनालक्षण। तो ये पर के भाव हो गए। तो पर के भाव और आत्म स्वभाव ये दोनों एक हैं के अलग अलग हैं?
जिसको ऐसा निर्णय हुआ उसके मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो गया। हाँ भाई साहब, सच कहता हूँ, एक क्षण का श्रद्धान अनंत काल के मिथ्यात्व को नाश करने में समर्थ रखता है, उसकी ताकत है इतनी। बसरते बात है श्रद्धान की, और उस श्रद्धान एक ऐसा मामला है जिसमें जिसको जो श्रद्धान होता है उसके पकड़ में आता है या केवली भगवान के पकड़ में आता है, दूसरे कोई भी उसके बारे में कोई चर्चा वार्ता डिस्कशन कर नहीं सकते हैं और उनके पास राइट्स भी नहीं हैं। इसीलिए सातवें अधिकार में पंडित साहब ने जब चर्चा की मिथ्या दृष्टियों की, तो उन्होंने अंत अंत में लिखा कि हमने जो दोष बताए हैं वे यदि तुझमें हों तो उन्हें निकाल देना, औरों के दोष देख देख कर कसाई नहीं होना। क्या शब्द प्रयोग किए हैं! हमारी ये भी तो एक कमजोरी है, हमारी ये भी कमजोरी है। कौन सी? कि हम दूसरों के दोष सुहाते नहीं हैं। यहां क्या कह रहे हैं कि अपने अपने घर की सफाई कर लो, दुनिया स्वच्छ हो जाएगी। बस, और हम तो उस मार्ग पे जाने की बात कर रहे हैं कि जहां आपको करने के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, और दुनिया में भी आप क्या समझ रहे हो, ये लोग बार बार विज्ञापन करते हैं, अखबारों में छापते हैं, लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, नदियों को स्वच्छ करो, नदियों को स्वच्छ करो, नदियों को स्वच्छ करो। फैक्ट है, आप गंदा करना बंद कर दो, नदियां अपने आप स्वच्छ हो जाएंगी। इतनी सी बात है वो। यदि हम आज ये संकल्पित हो जाएं कि नदियों में गंदगी नहीं फेंकेंगे, तो बोलो 10-5-20 साल में नदी अपने आप स्वच्छ हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्यों? क्योंकि उनका जो उद्गम स्थल है वहां गंदगी नहीं है, स्वभाव से जो निकल रहा है उद्गम स्थल जो है वहां कचरा नहीं है, ये तो हमने डाला है और हम ही परेशान हो रहे हैं। और फिर एक नया काम हाथ में ले लिया है, कौन सा? नदियों की सफाई अभियान। और फिर जैसे तैसे काल पूरा हो जाता है, 5 साल पूरे हो जाते हैं, अरे हो नहीं पाया, सॉरी इस बार जरूर कर देंगे, लो भैया। फिर 5 साल पूरे हो जाते हैं और फिर कमिटमेंट आ जाते हैं, तो ये एक काम कब पूरा हो सकता है, कल्पना है किसी को? नदी तो उदाहरण है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और नदी क्या, हर क्षेत्र में आप लगाओ ना, रोज विज्ञापन आता है, रोज मैसेज, 10 पेड़ लगाओ, 20 पेड़ लगाओ, 50 पेड़ लगाओ, रोज विज्ञापन आता है। आपको सिर्फ एक काम करना है, काटना बंद कर दो। सिर्फ आप अगर काटना बंद कर देंगे तो आप क्या समझ रहे हैं, पेड़ों की कमी पड़ेगी विश्व में? 1000 काटते हैं 100 लगाते हैं, 1000 काटते हैं 100 लगाते, ये ड्रामाबाजी चल रही है। सुबह शाम 24 घंटे में एक आध घंटा पढ़ लिया, एक आध घंटा पूजा कर ली, आत्मा स्वच्छ नहीं हो रही। स्वच्छ कहां से होगी? 23 घंटे गंदगी डालते हो, 1 घंटे सफाई अभियान करते हो। साल में ले दे के 3.5 दिन मिलते हैं। हाँ, उनमें भी किसी के पास डिस्काउंट ऑफर होगा, 2.5 दिन वाले भी होंगे। और कोई 2 दिन वाले होंगे, कोई सिर्फ सैटरडे वाले होंगे, कोई मिलने आए थे कि हम हैं। और काम क्या करना है मालूम है? यहां चैतन्य सदन में वीतरागता और सर्वज्ञता को उत्पन्न करना है। वीतरागता सर्वज्ञता माने भगवान बनना है। शुरुआत कैसे करें? स्व को स्व पर को पर जान, बस इतना इतना काम भी हो गया ना, तो गंदगी होना बंद हो जाएगी। और गंदगी होना बंद हो जाएगी तो ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, सुख में, अस्तित्व में, वस्तित्व में, द्रव्यत्व में, अगुरु लगत्व में, प्रदेशत्व में, क्षमा में, मार्दव में, आर्जव में, सोच में, सत्य में, संयम में, जीवत्व, चिति, दृशी, जितने भी आत्मा में गुण धर्म हैं, जितने भी, उन सबके उद्गम स्थल में गंदगी नहीं है। स्वभाव तो स्वच्छ ही है ना, और गुण भी स्वच्छ हैं।
तो कचरा आया कहां से? ये हमने होशियारी बताई बीच में, कौन सी होशियारी? ये भी मेरा, 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 ये भी मेरा। एक चिल्ला रहा था, धरती मेरी है रे, अंबर मेरा है रे, वाह। अब क्या, अब इसका क्या करें बताओ? किसी और का भी कुछ है कि सब तेरा ही है? ये तो सच में भूधरदास ने लिखा है, त्रियन चौके बड़े भाग्य हैं कि इस मनुष्य को घास पसंद नहीं है, वरना एक दाना खाने को नहीं मिलता उनको, क्योंकि कुछ खा जाता और कुछ रख लेता। हमारा वश नहीं चलता है, यस्य वो पूरा विश्व जिसमें अणु के समान है, ऐसी ऐसी इच्छाओं का गड्ढा लिए घूम रहे हैं। ऐसा लगता है हर एक जीव को मेरी ही अकेले की सत्ता है इस विश्व में, मेरे ही अकेले के सपने हैं, मेरी ही अकेले की दुनिया है, मेरे अकेले के पास काम है, बाकी सब ऐसे ही हैं। और सामने वाला भी यही सोच रहा है। जो उदाहरण भेजते हैं ऊपर से, जब भेजते हैं ना यहाँ, तो पता सबसे पहले क्या कहा था विपिन मेरे से? कहा बोले तुम नीचे जा रहे हो, दुनिया बहुत बड़ी है। अच्छा, सब मूर्ख है, सब मूर्ख है, तुम अकेले होशियार हो, और ये बात तुमको किसी को बताना नहीं है, अपने पास रखना। तो बस मैं जन्म से यही सोच के चल रहा हूँ, और मुझे बहुत बाद में पता चला कि यही बता के आपको भेजा, यही बता के आपको भेजा। तो सब अपने आप में, तो ये तो आचार्यों का योग मिल गया है, जहां यह पोस्टमार्टम हो रहा है, भैया क्या क्या सामान उठाया तुमने यहां से, क्या क्या सामान उठाया पहले चेक कराओ, तुम्हारा है क्या नहीं है, तुम्हारा है क्या नहीं है। पहले एयरपोर्ट पर देखते नहीं थे, अभी रैंडमली आपके टैग चेक करने लग गए हैं, क्योंकि उनका सर दर्द बढ़ गया है। आप बहुत जल्दी में रहते हैं ना, काला सूटकेस आपका था तो काला देखते ही भाग देते हो, अरे भैया रुक जा भाई, काले के अलावा और भी गुणधर्म हो सकते हैं। नहीं समझ में आया? तो आपको लिखा हुआ चाहिए। अब बिना भेद विज्ञान के तो आप एक कदम दुनिया में जी नहीं सकते हैं, मोक्ष मार्ग में तो कैसे चलेंगे? और भेद विज्ञान में आप एक्सपर्ट होते हैं, उसके लक्षण जानते हैं, उसकी परख है आपको, कैसे भेद विज्ञान किया जाता है? बोला हवाई जहाज से जब नीचे उतरे, बेल्ट नंबर 456 जो भी बताया वहां खड़े रहे, वहां खड़े रह के आप क्या करते हैं? दो काम होते हैं वहां, एक तो सुबह का प्रवचन होता है वो ज्ञान वाला, चाहे काला सूट के साथ, चाहे नीला, चाहे चाहे हरा आए, चाहे पीला आए, चाहे अच्छा आए, चाहे बुरा आए, ज्ञान जानता है, और जान के क्या करता है, वो स्टोरेज में पीछे भेज देता है। ज्ञान तो जैसा है वैसा ही है ना। अचानक क्या होता है, ये मेरा है, और बाकी सब जो आ रहे थे वो, उनका क्या करना है, उनका क्या करना है? अरे इतना बड़ा सूटकेस लेके घूम रहा है ये आदमी, इतना बड़ा लेके घूम रहा है, कैसे कैसे ले जाता होगा? ये विषय हमारा है, ये विषय हमारा है। और ये कैसे रंग का सूटकेस खरीद लिया इसने, ये रंग तो चल ही नहीं रहा है मार्केट में, कब का पुराना पड़ गया है अभी भी ये रंग। ये विषय हमारा है, अभी भी कपड़े का सूटकेस लेके घूम रहा है, अब तो फाइबर के लाइट वेट आ गए हैं। ये विषय हमारा है, आप बोलो। सुबह से शाम तक जितनी भी चर्चाएं, चिंतन, मनन, थॉट प्रोसेस है, उसमें मैं तो कहीं हूं ही नहीं, मैं कहीं नहीं हूं, मेरी सारी दिनचर्या इसी में निकल रही है। इसको ऐसे रहना चाहिए, इसको ऐसे रहना चाहिए, इसको ये खाना चाहिए, इसको ये बोलना चाहिए, इसको ऐसे चलना चाहिए, इसको ऐसे उठना चाहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए, और इतना बोलना, हर अपने बारे में नहीं, पूरी दुनिया को मैनेज करना है। और संभव आचार्यों ने पूरा सर से बाहर उतार के रख दिया कि जब भी कुछ करने जा तो पहले ये तय कर ले वह तेरा है या नहीं है। यदि स्वभाव है तो जितना पुरुषार्थ कर सक उतना कर ले, वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए, और प्रभाव है तो फिर तुझे कुछ नहीं करना है। प्रभाव माने पर और पर के भाव, दो शब्द। तीसरा एक शब्द और है, कौन सा? एक तो पर, पर के भाव, और पर के भाव के निमित्त से हुए आत्मा में विकारी भाव, इन तीनों को मिला के कहते हैं प्रभाव। आत्मा स्वभावम
पर भाव भिन्न। तो पर भाव माने क्या कि पर के भाव और पर के भावों के निमित्त से चैतन्य सदन में उत्पन्न हुए क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद ये सारे के सारे विकारी परिणाम ये सब क्या हैं? ये प्रभाव हैं। देखो विभावों का नाश बाद में करना, पहले आप ये पहचान जाओ कि ये विभाव हैं, अन्यथा तो विभाव में भी स्वभाव की अनुभूति होती है। और कुछ लोग तो दावे के साथ कहते ही हैं मेरा तो स्वभाव ही क्रोध करना है। मुझे मिले थे एक जगह, मेरी बात का बुरा मत माना करो, मेरा तो स्वभाव है क्रोध करना। फिर हमने उन्हें बिठाया कि आचार्य कह रहे हैं तेरा स्वभाव क्रोध करना नहीं है, तेरा स्वभाव क्षमा करना है। लेकिन अनभ्यास की दशा देखो, जो काम दुनिया का सबसे सरलतम काम है वह हमारे लिए सबसे कठिन काम हो गया है, सबसे कठिन काम हो गया है, सबसे कठिन। और जो सबसे कठिन काम है वो सरल हो गया है। अभी दुनिया भी ऐसी चल रही है ना, पूरी विपरीतता की ओर, हर काम में आपको जो है मिसगाइड किया जा रहा है, हर काम में उल्टा उल्टा बताया जा रहा है, उल्टा उल्टा बोला जा रहा है, जो सरल है वो कठिन है, कठिन है वो सरल है। विश्व का सबसे सरल दर्शन है जैन दर्शन। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, किसी का भी इंटरव्यू ले लो, हो भैया जैन दर्शन तो बहुत कठिन है। यहाँ से तो शुरू करता है, जैन दर्शन के व्रत कठिन, तप कठिन, उपवास कठिन, चर्या कठिन, उनके नियम कठिन 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 कठिन, ऐसे तो बार 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 बार। तो आधे लोग तो शुरू करने से पहले ही बंद कर देते हैं कार्यक्रम, क्योंकि जब एवरेस्ट के बारे में हमने सुना है ना, इतने हजार सीढ़ियां हैं और इतना टेम्परेचर है इतना, तो हमने तो प्लान भी नहीं बना रहे, क्योंकि जितना सुन रखा है ना उसके हिसाब से, सुन क्या रखा है, बहुत ऊंचा है, वहाँ हवाएं बहुत चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, फलाना नहीं होता है, ढिकाना नहीं होता, दोस्त जा रहा था, चल रहे हो कि भैया आप पधारो, अबे हम क्यों चक्कर में पड़े। तो वही काम हमने यहाँ किया, सरल नहीं जैन दर्शन, सरल नहीं, बहुत कठिन है, बहुत अच्छा शास्त्रों में लिखा भी मिल गया कठिन है, लेकिन भैया उसका अर्थ तो समझ लेते। शास्त्रों में जो कठिन लिखा है उसका अर्थ दुर्लभ है, कष्टकारक नहीं है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक कठिन शब्द का अर्थ होता है मतलब कष्टकारक, जैसे कांटों पे चलना कठिन काम है, कठिन काम है कष्टकारक है, चलेंगे तो पैर में तकलीफ होगी। और एक कठिन शब्द का अर्थ होता है रेयर, दुर्लभ, सबके बस की बात नहीं है भाई साहब, बहुत दुर्लभ चीज़ है, बहुत कठिन काम। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ समझ लो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदना कठिन है, कठिन है माने बहुत सारे नोट चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिनके बड़ी गाड़ियां खरीद ली और सीट पे बैठते हो तो नीचे से सुई चुभती हो, ये कठिन का मतलब क्या है, दुर्लभ है, रेयर है, इतने सारे नोट चाहिए। ऐसे ही जैन दर्शन का सेवन, जैन दर्शन का पालन, जैन दर्शन का अभ्यास, ये कष्टकारक नहीं है, दुर्लभ है, रेयर है, इतने सारे भद्र परिणाम चाहिए जब जाके रात्रि भोजन छूटेगा, नहीं तो भगवान आत्मा करते ही मर जाओगे, रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाओगे। ऐसा लगे इसमें क्या है, इसमें क्या है, अभी तो आत्मा समझ के सम्यक दर्शन कर लूँ ना ये तो छूट जाएगा। यहाँ कह रहे हैं कि तुमको फर्क में भाव में और स्वभाव में भेद कैसे दिखे। अच्छा चलो यहाँ तक भी ठीक है, आप करें या ना करें, कम से कम श्रद्धा के पहले स्तर पर ये तो खुले दिल से स्वीकार करें कि हाँ ये कार्य करने योग्य नहीं है। हमारी एक बड़ी कमजोरी ये है कि जो काम हम करते होंगे ना आगे पीछे ले दे के हम उसका पोषण कर देंगे, हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं या वेदर ऐसा है, हमारी जॉब ऐसी है, अरे तुम्हारा क्या कैसा है भगवान जाने, आचार्यों को मैनिपुलेट क्यों कर रहे हो, उनको तो बस जैसा है वैसा रहने दो ना। ये कहो मेरी कमजोरी है, मेरे परिणाम उतने उच्च जाति के नहीं हो। आप अगर ऐसा महसूस करोगे तो कदाचित जब संयोग बनेंगे परिस्थितियां ठीक होंगी छूट जाएगा, लेकिन हमने उसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाया तो क्या होगा,
अब एक एक चीज़ को कठिनाई कठिन 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 कठिन, और मैं कह रहा हूँ भाई साहब इतना सरल है, इतना सरल क्या बोले भाई साहब। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ इस कलश से, स्वभाव रूप रहना सरल है या विभाव रूप रहना सरल है? मैं फिर से पूछ लेता हूँ, कोई कन्फ्यूजन हो गया तो, स्वभाव रूप रहना सरल है या विभाव रूप रहना सरल है? रोशनी जी, स्वभाव रूप रहना सरल है ना? सिंगापुर, स्वभाव रूप रहना सरल है ना? कनाडा, स्वभाव रूप रहना सरल है ना? ऐसा जिनवाणी में लिखा है। बस 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 आगे डेस्क करके लिख दिया, ऐसा जिनवाणी में लिखा है। जिस दिन आपको यह प्रतीति आने लग जाए कि सच में स्वभाव रूप रहना सरल है, और सरलता का कारण है, हेतु है, अहेतुक नहीं है, ये जैन दर्शन सबसे ज्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल कहा जाता है ना, अहेतुक नहीं कह रहा हूं मैं आपको दो काम देता हूं, दो वर्ग है ना, एक पुरुष वर्ग एक महिला वर्ग। एक काम करता हूं आपको, बहुत सरल काम देता हूं, बहुत सरल काम। ज्यादातर रसोइयां आपके हाथ में रहती हैं, यहां का पता नहीं, हमारे यहां तो रहती है, हमारे यहां का उदाहरण सुन के समझ लो। पानी को गर्म बनाए रखना है, तपेली पर रखना है, गर्म होता रहेगा। आप पूरे समूह को मैं काम दे रहा हूं पानी को शीतल बनाए रखना है। बोलो हार्ड काम किसको मिला? क्यों, आपको क्या करना है? आपको तो बस गैस चालू करनी है, इनको पूछो ठंडा कैसे होगा। नहीं मैं शायद कंफ्यूज हो रहा हूं, पानी को गर्म करना है रोज करते हैं, तपेली रखनी है, गैस चलानी है, गर्म हो जाएगा, ठंडा कैसे होगा ये सोचो। ये एक एनुअल शिविर रखते हैं 4.5 दिन का, 5 पंडित बुलाते हैं भारत से, वे आपको समझाएंगे पानी को ठंडा कैसे रखना है। यही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। क्यों कछु सुध बोधे नाहे रही है, मिथ्या मते छाए। समझ में ही नहीं आ रहा है, पानी को ठंडा रखना हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, हमने एक काम बना लिया है, अभी ठंडा रखना शुरू नहीं किया है। ठंडा कैसे रखा जाए इस पर सेमिनार कर रहे हैं, और पानी कह रहा है कि मेरा तो नेचर ही ठंडा है, तुम काय को इतना सब मत कर मांगो, यार चल रही है बोलो क्या क्या करें इसका, ये अपने आप से पूछो। ये जो दावा है ना, सच में देखो कथन भी व्यवहार से होंगे, उत्तर भी व्यवहार से आएंगे, और इसी पूरी प्रक्रिया में किसी का निश्चय मोक्ष मार्ग शुरू भी हो जाएगा। आप समझे ना, चर्चा ऐसे ही होती है, ऊहा पोह ऐसे ही होता है, विचार चिंतन ऐसे ही होता है। क्या कहा कि मैं हूं, ये प्रतीति जो है ये आपको शीतल रखेगी। मैं भगवान हूं, ये प्रतीति आपको भगवान बनाएगी। ये पब्लिक में जो घोषणा होगी ना भगवान बनने की, ये बाद में होगी। और किसकी घोषणा होगी पब्लिक में कि भगवान हैं, कि जिन्होंने ये स्वीकार लिया मैं भगवान हूं, वहां ये घोषणा होगी। अच्छा मैं आपको पूछता हूं, इस बार की शिविर में चारू आंटी को डायरेक्टर बनाया गया है, ईमानदारी से पूछना अपने मन से, पिछली शिविर में ये डायरेक्टर नहीं थे? उससे पहले की शिविर में ये डायरेक्टर नहीं थे? उससे पहले की शिविर में पौरंग डायरेक्टर नहीं थे? अरे आपको नहीं पता है, इन्होंने अपने आप को डायरेक्टर मान लिया था, और डायरेक्टर मान के ही काम कर रहे थे, वो लेवल नहीं था, लेकिन इनकी जो वृत्तियां थीं, इनके जो क्रियाकलाप थे, इनकी जो वार्तालाप थी, इसकी जो जाना के प्रति, इनकी जो जाना के प्रति शुभकामनाएं या वेल विशर, जो कुछ भी कहो, जो थॉट प्रोसेस था वो कैसा था, वो डायरेक्टर जैसा था। इसलिए क्या हुआ, एक दिन पब्लिकली घोषणा होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। आप समझो मोक्ष मार्ग में अब प्रॉब्लम यही हो रही है, हम क्या कह रहे हैं, पहले हमारे माथे पर भगवान लिख दो फिर हम भगवान जैसे रहेंगे।
और कर्म ये कह रहे हैं कि तुम भगवान जैसे रहो तो हम लिख देंगे। नहीं नहीं, अभी हमारा युद्ध चल रहा है कर्मों के साथ में। हम क्या कह रहे हैं, पहले हमको सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराओ, देवागमन करो, नवोयान करो, चमरादि विभूतियां लगाओ, सब कर दो, फिर हम मान लेंगे हम भगवान हैं। और वो क्या कह रहे हैं, तुम एक बार मान लो हम सब कर देंगे। हो जाएगा। अब इसका स्वाद लो। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्न माँ पूर्ण माद्यंत विमोक्त एकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शोधनयोभ्यदेति। एक भी शब्द छूट नहीं जाए इसमें से, देखना। आत्म स्वभावम परभाव भिन्न आपूर्ण 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 माने अब उसमें जगह नहीं है, परिपूर्ण। प्रभु तो सब बातें पूरा भरे, जल से भरे हुए जल को कोई कहे कि मैं जलदान देता हूं इसमें, तो बोलो हास्य का पात्र है क्या? नहीं। योगसार में लिखा है, देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते हसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। आपूर्ण, आपूर्ण का मतलब समझे? हाँ अलका बहन माँ जी, आपूर्ण मतलब जिस जो जो व्यक्ति अपने आप को आपूर्ण महसूस कर लेगा उसके हाथ से याचना के कटोरे गिर जाएंगे, फिर भगवान के सामने फड़फड़ाएगा नहीं, प्रभु ये कर दो, प्रभु ये कर दो, प्रभु ये कर दो, प्रभु। आपूर्ण, गुलामी खत्म, किसी की और दासता की दृष्टि से देखेगा नहीं वो व्यक्ति जो अपने आप को परिपूर्ण महसूस करेगा। अभी कलश आएगा अगर गाड़ी आपके बढ़ गई आगे, तो सुबह वाले प्रवचन में अचिंत शक्ति स्वयमेव देवश्चिन्ह मात्र चिंता मणिरेसी अस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्म तया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहण। ज्ञानी अन्य परिग्रह का क्या करें, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। वो बेल्ट पे लाइन से सूटकेस निकल रहे, लाइन से निकल रहे, उसमें से एक सोने का सूटकेस निकला, बोलो क्या करूं, क्या करूं? मेरा नहीं है। जहां मेरा नहीं है वहां करने का विकल्प नहीं है। चांदी का निकला, पीतल का निकला, टूटा निकला, जुड़ा निकला, सड़ा निकला, अच्छा निकला, काला निकला, पीला निकला, हरा निकला, लंबा ठिगना, मोटा पतला, जो जो भी है, लंगड़ा लूला, जैसा भी है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। आहा, दर्पण के सामने तुम्हें जो दिखता है परभाव भिन्न, वो मैं नहीं हूं। कमजोर लग रहे हैं आप पहले से, कमजोर पहले से कम, कौन कौन? आत्मा स्वभावम, ये हर पल जीने की चीज है, सच बातें है, हर पल जीने की चीज है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, कौन किसको ठीक, मतलब मैं सच कह रहा हूं, यदि ये मूलभूत तत्व ज्ञान ना हो तो आपका समाधि मरण भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमको संयोगों में रहने की आदत है, समाधि मरण एकांत का विषय है। हमको पराधीनता में जीने की आदत है, समाधि मन स्वाधीनता का नाम है। हम एक्सपेक्टेशन के भंडार हैं, समाधि मन निरपेक्षता की ओर ले जाता है। हम दिन भर याचना और निदान में रहते हैं, हमें तो कुत्ता भी बनना हो तो अमेरिका का। क्यों क्या हुआ भाई, संगति का असर तो आएगा, वो तो मैं खड़ा नहीं हो रहा हूं, नहीं वैसा ही बोल सकता हूं। क्या, क्या 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 करें, हमारे तो माला जपते रहते हैं और यहां रिजेक्ट कर दिया, नहीं ये मैं नहीं, 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 ये मैं। और जो मैं नहीं, जो मैं नहीं, फिर उसका कुछ भी हो, जैसे ये समझो ये कुर्ता मेरा नहीं हो तो फिर ये मैं बैठूंगा तो फूंक मार के बैठूंगा,
ऐसे ऐसे साफ करके बैठूंगा, क्यों मेरा नहीं है? आपको नहीं समझ में आएगी ये रहस्य। सम्यक दृष्टि हो तो आनंद ले ले मैं। हाँ हाय, ये खुजली खाज हो रही है। किसको 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 ये चमड़ी निकल रही है, रंग हरा पड़ रहा है, पीला पड़ रहा है, ये देखो कौन, प्रश्न है कौन, कौन कौन बता, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, किससे किससे नहीं उठाया जा रहा, किससे नहीं। ये सारा का सारा कार्यक्रम जो देख रहा है तो पुद्गल में देख रहा है और टेंशन में चैतन्य आ रहा है, गजब हो गया। दूसरे के घर में समस्याएं और तुम माथा पकड़ के बैठ गए, यार बहुत जोर से आवाज़ें आ रही हैं, यार तो बहुत गड़बड़ होगी, तुम्हें कहा सो ना तुम शांति से। क्या आप बताओ, टोडरमल जी ने आदिलान में सम्यक दर्शन करा दिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इन सोना ही हमारो मेल। ये बाल कैसे हो रहे हैं, आधे सही आधे टेढ़े आधे सफेद, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इन सोना ही। कितनी कितनी कितने उदाहरण दिए जाएं, कितनी बात की जाए, बात इतनी सी है, मैं ये नहीं हूं जो ये मानता है, जो ये जानता है, उसके रागादि विकारी भाव उत्पन्न ही नहीं होते हैं, कैसे हों बताओ, कैसे हों। दूसरे का घर टूटे आप रोके बताओ, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकल करके देखो आप बताओ, दूसरे का नुकसान हो आप उस वैसी वेदना महसूस करो, दूसरे की बदनामी हो, दूसरे का अपयश हो, आप दुखी हो के बताओ, हो ही नहीं सकते। तो दुखी कब होते हैं, जब हमें लगता है ये मेरी बदनामी है, ये मेरा अपयश है, या मेरा नुकसान हुआ है, मेरा हानि हुई, तब जाके तनाव होता है ना। तो स्ट्रेस फ्री रहने का तरीका बताओ, कि स्ट्रेस लेने से पहले सोच लो तुम किसका, अपने का कि पराए का। अपने का ले रहे हो तब तो ठीक है, फिर मैं आपको रिलीज कर दूंगा, लेकिन वो अपना नहीं हुआ तो फिर आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। आप स्ट्रेस की लिस्ट उठा के देख लो, क्या है बताओ, शरीर या संयोग। आचार्यों ने कितना फ्री कर दिया, ये तुम्हारे नहीं है, अब पैर कब्र में लटके हैं और 24 घंटे सोच रहा है ये जो संपत्ति है किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं, कैसे दूं, कितनी दूं, कहां दूं, दूं नहीं दूं, और उसका स्ट्रेस हो गया, क्या करें इसका, ये मेरी नहीं है। आप सम्यक दृष्टियों के हृदय में बैठ के देखो भाई साहब, तब पता चलेगा। विद्वानों ने दो दो लाइनों में सब बातें कह दी हैं, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। क्या बताएं हम सम्यक दृष्टियों की, जिन चीज़ों को देख के हमारी लाल टपकती है, जिस धन संपदा वैभव को देख के हमारे मन में जो है ऐसा लाता है काश 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 काश, या उसको कौए की टट्टी के समान जानते हैं, कौए की विष्ठा समझते हो, मैं सीधा ट्रांसलेशन कर दिया इजी वाला, जल्दी समझ में आ जाए आपको, कौए की विष्ठा क्या काम आती है, देखी है कि नहीं देखी किसी ने, अरे कौआ देखा है कि नहीं, हाँ बोलो ना, कौआ देखा है कि नहीं, कौए की विष्ठा पड़ी हो और डायमंड का आईफोन लिए कोई हालो हलो कर रहा हो, बोलो दोनों में समानता दिखती है, सम्यक दृष्टि और कुछ नहीं है, ये डेप्थ, इसी को डेप्थ बोलते, गहराई किसको बोलते हैं, सम्यक दर्शन हुआ माने आप इतने गहरे उतर गए, अब कर्म आपके पास आ नहीं सकते। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्न मापूर्ण माद्यंत विमोक्तमेकम्, आपूर्ण हूं आपूर्ण हूं आपूर्ण हूं आपूर्ण हूं आपूर्ण हूं, माला जपो 108 बार आपूर्ण की, और फिर देखो आप मतलब किस दुनिया में जीते हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, हाँ ज्ञानी को जगत पागल दिखता है और जगत को ज्ञानी पागल दिखता है। क्या करें, स्वरूप ऐसा है, आपूर्ण आपूर्ण, बोलो क्या इच्छा है, बोलो क्या इच्छा है, बोलो कि इच्छा पैसा आपूर्ण, कुछ इच्छा नहीं है हमारी, कुछ इच्छा नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है। बड़े पंडित जी थे ना, बड़े पंडित जी रविंद्र जी साहब, उनके पास कोई जाता था
और कोई गलती से भी ये कह देवे पंडित साहब कुछ हो तो बताना, समझ लो पूरे एक घंटे का प्रवचन उस पर हो जाता था उनका। और वहाँ से शुरू करते थे, तेरी फूट गई हैं क्या जो हम बताएं, और तू कौन है, चक्रवर्ती है कौन है जिसे बताएं, नहीं समझ में आ रहा है। मतलब अब इसकी गहराई में जाओगे तब तो पता चलेगा क्या कह रहे हैं वो, क्या मांगे और तू क्या दे देगा, क्या है तेरे पास, चार चवन्नी में से एक नया सिक्का निकालने में भी नानी याद दिला देगा हमको तू, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर उसका आनंद देखो आप, मतलब ये जो आश्रय है, ये जो अवलंबन है मोक्ष मार्ग का, जहां जाके हम व्रत नियम संयम उपवास वो सब चीजें देखते हैं, वो तो इस भेद विज्ञान का फल है। वो निशंकित निकांक्षित निविचिकित्सा अमूल दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण वात्सल्य प्रभावना सम्यक दर्शन का साइड इफेक्ट है। वो अंदर में सम्यक दर्शन हो तो ये अंग प्रकट हो ही जाते हैं, और इन अंगों से सहित सम्यक दर्शन शोभा पाता है। वो याचना नहीं करता, वो देव मूर्ता नहीं है उसके हृदय में, हे भगवान कोई तो बचा ले वे, कोई तो बचा ले वे, कोई तो बचा ले वे, कोई तो बचा ले वे। रत्नगण श्राव का आचार में लिखा है, आहा इस शरीर के हजार टुकड़े हो जाएं तो भी कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की शरण में, तंत्र मंत्र ज्योतिष आस्तु वास्तु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये शब्द हैं वीर सागर जी, वहां प्रश्न किया है, प्रश्न लिखा है, मैं प्रश्न आपको बताता हूं, मजा आएगा आपको। उसमें प्रश्न क्या लिखा है, मंत्रों का तंत्रों का ज्योतिष का इसका वर्णन द्वादशांग में भी तो है। ये प्रश्न है रत्नगण श्राव का आचार में, जो लोग पढ़ रहे होंगे पता होगा ये प्रश्न है, द्वादशांग में भी है। पता है क्या उत्तर लिखा है, द्वादशांग में तो सब है, वहां तो मिथ्या दृष्टियों के भी भेद प्रभेद हैं, सम्यक दृष्टियों के भी, द्वादशांग से क्या रह गया है। लेकिन द्वादशांग में ये कहीं नहीं है कि ये सेवन कर, द्वादशांग अब तुमके केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान का विषय नरक भी है, नरक जाने के भाव भी हैं, क्योंकि वो केवल ज्ञान का विषय है इसलिए उपासनीय है, ऐसा नहीं है। जवाब पढ़ में पहली बार जवाब पढ़ा वहां से, अभी तक थोड़ा ढीला पड़ता था इस विषय में, कोई कोई दवा बोले साहब द्वादशांग में है, वहां लिखा है द्वादशांग में तो भैया सब हैं, तेरे काम के हैं क्या नहीं है ये तू बता। और यदि समय सार का पाठी है और इस कलश में कह रहा है आपूर्ण, आपूर्ण का मतलब समझते हो, आपूर्ण माने प्लीज प्लीज हमारा काम करवा देना, हमारा काम कर भाग यहां से, ऐसा बोलने वाला आपूर्ण अपने आप को मानता ही नहीं है। हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान, रोग नहीं हो बाकी सब चलेगा। कई एक एक ही मिला बोले मैं मरूं तो सीधा उठा ले वे, वो बीमार ना करे, मतलब मौत भी डिजाइनदार चाहिए इसको। जैसे वो सामान खरीद जाता बाजार में इसमें कुछ और डिजाइन नहीं है कि इसमें कुछ और ऑप्शन है, ऐसे मृत्यु भी ऐसी वाली नहीं ऐसी वाली चाहिए। बोलो यहाँ क्या कह रहे हैं, आपूर्ण आपूर्ण। बोलो खटिया में पड़ा हो, वृद्ध हो, लार टपक रही हो, मलमूत्र पे कंट्रोल ना रह गया हो, तो भी भगवान आत्मा उतना ही सम्माननीय उस काल में है या नहीं है, तो समाधि मण हो सकता है। आपूर्ण आपूर्ण, कुछ नहीं चाहिए। अरे जब पैदा हुए 9-9 महीने हमने कुछ डिमांड नहीं की और इतने से इतने बड़े हो गए, आप समझे बूंद भर से 1.5 फिट के हो गए। अच्छा क्या किया आपने 1.5 फुट होने के लिए, कौन सी स्तोत्र पढ़ा था आपने, कौन सा महामृत्युंजय जाप किया था, कौन सा यज्ञ अनुष्ठान करवाया था, कौन से घर के खिड़की दरवाजे बदलवाए थे, कौन से राशि रत्न पहने थे, इतने बड़े कैसे हो गए। और उसके बाद तो फिर कुछ किया होगा जन्म लेने के बाद, कि साहब 2-3 साल तक तो पता ही नहीं चाहता, लुढ़काने वाले लुढ़का देते थे, उछालने वाले उछाल देते थे। सच बता रहा हूं, फिर तो आपने कुछ किया होगा कि नहीं, फिर घर वालों ने जैसे स्कूल जेल में डाल दिया, वहां टाइम टू टाइम ड्यूटी देता रहा आता रहा जाता। फिर जब मैं कैरियर मेरा पॉइंट आया, फिर मैंने शुरू किया और मुश्किल से 10-15-20 साल हरकतें की, फिर कहने लग गया अब मुझसे उठा नहीं जा रहा, अब मुझसे चला नहीं जा रहा,
अब मुझसे कुछ होता नहीं है, मतलब पहले भी कुछ नहीं होता था, बाद में भी कुछ नहीं होता है, बीच के कुछ काल ऐसा आया था वहाँ से नेतागिरी बताता है, ये बताओ, और उसमें भी इसने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, आपूर्ण आपूर्ण आपूर्ण, जिनेंद्र परमात्मा के निकट बैठ के उस आपूर्णता का अनुभव करो, भगवान के सामने जाओ और बराबरी की बातें करो, तो सम्यक दर्शन तुम्हारे पल्ले में आएगा। प्रभो तेरे सदृश, प्रभो तेरे सदृश अरहंत अवस्था पाऊंगा, क्योंकि मैं आपूर्ण हूँ, आपूर्ण हूँ, आदि अंत से विमुक्त हूँ, एक हूँ। संपूर्ण संकल्प और विकल्पों का विलय जहाँ हो जाता है वहाँ शुद्ध नय उदित होता है, और ये शुद्ध नय सबको उदित हो, इस मंगल भावना से अभी की बात विराम।